भूषण ज्वेलर्स। कांग्रेस पार्टी ने वीरवार को कालका कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर पार्टी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया गया। आयोजित समारोह में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी अपने विचार रखे और संगठन के लिए भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई। बारी बारी पार्टी के काफी नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए। विधायक प्रदीप चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास बहुत बड़ा है, आज भी कांग्रेस की नीतियों से आम जन को लाभ मिल रहा है। बीजेपी सरकार के राज में महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम बढ़ रहा है। आज कालका में सरकार की भेदभाव की नीयत की वजह से विकास नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर पार्टी की गतिविधियों को शेयर करें। हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने पार्टी के सभी नेताओं ने आज यहां स्थापना दिवस मनाया और झंडा फहराया गया और कल में आज बहुत उत्साह और जोश देखने को मिला। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के इतिहास को याद किया कि कांग्रेस पार्टी का इस देश को आजाद करने में एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा, जहां हमारे देश के बीच महान सपूतों ने प्राण दिए, बलिदान दिए, वहीं कांग्रेस पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान देश को आजाद कराने में रहा, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में महात्मा गांधी एक मुहिम छेड़ी गई देश को पूरी आजादी चाहिए, साम्राज्य अधूरी आचारी आजादी से हमारा काम नहीं चलेगा। देश कांग्रेस पार्टी ने अपनी लड़ाई, इस पर सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे और संकल्प लिया कि आज देश में जो हालात हैं, परेशान है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे विकास को लेकर, आज विकास हम पड़े हमने संकल्प लिया कि हम मजबूती से पार्टी और मजबूत और पार्टी के काम कार्य बढ़ाई जाएगी और कई चर्चा करेंगे ताकि पार्टी आने वाले समय में हम बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कालका से सचिन की रिपोर्ट।